हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंजन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको ग्लास क्लीनिंग के 3 टिप्स देने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है और इसमें मैं बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं की हूँ। ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो ग्लास क्लीनिंग का फर्स्ट टिप ये है, यहाँ पे मैंने 1 कप विनीगर लिया है, वाइट विनीगर यानी सिरका, और 1 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है, नॉर्मल वाटर अपना लिया है, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया है। ये ऑप्शनल है, इससे आपका विनीगर का जो स्मेल रहता है वो चला जाएगा। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद कोई भी आप खाली बॉटल ले लीजिए और उसमें इस मिश्रण को डाल दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्प्रे वाला लिया है, तो हमारा ये क्लीनर बनके तैयार हो गया है। देखिए, मैं यहाँ पे बालकनी का जो स्लाइडिंग डोर रहता है वो आपको साफ़ करने के लिए बताऊंगी। सो देखिए, ये काफ़ी गंदा हो चुका है, सो आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्लीनर को इस तरह से स्प्रे करूँगी, यहाँ पे अच्छे से आप हर जगह स्प्रे कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने फोम वाला स्क्रब लिया है, तो इस तरह से आप अच्छे से साफ कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको और लगता है तो और भी आप स्प्रे कर लीजिए क्लीनर को। इसी तरह से आप दोनों साइड अच्छे से साफ कर लीजिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर का यूज़ कर रही हूँ, पानी को ये बहुत ही अच्छे से सक कर लेता है। तो अच्छे से आप पोंछ लीजिए। तो देखिए, एक साइड ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने दूसरे साइड से भी क्लीन कर लिया था इसे। सो ग्लास क्लीनिंग का दूसरा टिप ये है, सबसे पहले गैस ऑन करके उस पर पानी रखेंगे, ये लगभग 2 कप पानी होगा, इसे उबलने देंगे। सो ये अब उबल चुका है, तो इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे, कोई भी आप चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। इसका मुझे स्ट्रॉन्ग चाय बनाना है, सो इसे 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए। सो देखिए, 2 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए, ये ठंडा हो चुका है, इसे एक स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए और इसको भी आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। तो देखिए, हमारा ये क्लीनर बनके तैयार हो गया है, इसे भी आप अच्छी तरह से स्प्रे कर लीजिए अपने ग्लास पे और रब कीजिए। देन उसके बाद वाइपर से पोंछ दीजिए, हर जगह आप इसी तरह से स्प्रे कर लीजिए। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ, इसे आप क्रश करके और अपने ग्लास को साफ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, आप देख सकते हैं। सो देखिए, ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने दोनों साइड से अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। देखिए, ये मेरा सेंटर टेबल है, ये भी काफ़ी गंदा हो चुका है, सो इसको भी मैं आपको क्लीन करके बता रही हूँ। तो अपना इस क्लीनर को अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। देन यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ, इससे चारों तरफ अच्छे रब कर लीजिए। देन एक और टिश्यू पेपर लेके इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। सो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से साफ हो गया है और बहुत ही जल्दी साफ होता है ये। थर्ड ये है, बाथरूम का जो अपना मिरर रहता है उसे कैसे साफ करते हैं। सो देखिए, बाथरूम में मैं इस टाइप का मिरर लगाई हूँ, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी दाग धब्बे लगे हुए हैं और कई बार तो कुछ इस तरह से भी हो जाता है जो अपना चेहरा एकदम धुंधला नज़र आता है। तो इसे साफ़ करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास सेविंग फोम है तो उसका आप यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पार्क एवेन्यू का सेविंग क्रीम ले रही हूँ।
सो थोड़ा सा आप अपने हाथों में क्रीम ले लीजिए, देन उसके बाद सेविंग ब्रश को गीला करके क्रीम के साथ रब कीजिए। तो ये एक झाग बनाता है, आप देख सकते हैं। सो देखिए इस तरह से फोम आएगा, तो इसे अपने हाथों में लेके इस मिरर पे रब कीजिए अच्छे तरह से, चारों तरफ रब कर दीजिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक टॉवल ली हूँ, उसकी मदद से आप इसे अच्छे से रब करते जाइए, पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से रब करते जाइए, ये क्लीन होते जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा क्लीन हो गया है, और कई जगह फोम लग चुका है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रश का यूज़ करके इसे भी साफ़ कर लूँगी। और इसे भी आप पोंछ दीजिए। सो देखिए मेरा ये बाथरूम का मिरर कितना इजीली वे में साफ़ हो गया है, आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू।